नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक प्रमुख खबरों को। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 7 हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नाम प्रस्तावित किए। बॉम्बे, गुजरात, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सहित 7 राज्यों के खिलाफ जस्टिस की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम ने नामों की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए तेलंगाना और केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम की सिफारिश की है। उरी पर आतंकी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करके हमारे देश के जवानों ने पाकिस्तान और आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया था, लेकिन बड़ी बात यह है कि इसकी तैयारी उरी हमले के 15 महीने पहले म्यांमार ऑपरेशन के तुरंत बाद ही शुरू हो गई थी। दरअसल रिटायर्ड जनरल दरबीर सिंह सुहाग ने बताया है कि 4 जून 2015 को मणिपुर में उग्रवादियों ने घात लगाकर भारतीय सेना के जवानों की हत्या कर दी थी। इसके बाद हमने तुरंत निर्णय लिया कि हमें कार्रवाई करने की जरूरत है और हमने उग्रवादियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की। यूक्रेन में अमेरिका की राजदूत ब्रिजेट ब्रिंक ने कहा है कि ग्लोबल लेवल पर बढ़ते कद और G20 की मौजूदा अध्यक्षता के साथ यूक्रेन में युद्ध को खत्म करने में भारत अहम योगदान दे सकता है। कुछ भारतीय पत्रकारों के लिए एक विशेष ऑनलाइन ब्रीफिंग में ब्रिंक ने कहा है कि अलग अलग ग्लोबल चुनौतियों के समाधान में भारत का नेतृत्व अहम है। मार्क जुकरबर्ग के मेटा ने ट्विटर के कंपटीटर थ्रेड्स ऐप को लॉन्च कर दिया। ये ऐप एलन मस्क के ट्विटर के परेशान यूजर्स को ट्विटर का अल्टरनेट प्लेटफॉर्म ऑफर कर रहा है, जिसमें सभी फीचर्स ट्विटर के तरह दिए गए हैं, जिसमें पोस्ट के लिमिट 500 वर्ड दी जा रही है, जो ट्विटर के 280 वर्ड लिमिट से ज़्यादा है, और इसमें 5 मिनट तक के लिंक, फोटो और वीडियो शामिल हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों को ऑफिस के कंप्यूटर पर गेम, मूवी व मनोरंजन की अन्य साइट्स को खोलने या डाउनलोड नहीं करने की सलाह दी है। कर्मचारियों को सोशल मीडिया व अन्य नेटवर्किंग साइट्स पर भी अपनी निजी जानकारी सीमित रूप से साझा करने के लिए कहा गया है। देश के 80 करोड़ से अधिक डिजिटल नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए हैं। मेटा की ओनरशिप वाले लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप में यूजर्स को जल्द ग्रुप ज्वाइन करने से जुड़ा नया फीचर मिलने वाला है। संकेत मिले कि व्हाट्सएप एक नए फीचर पर काम कर रहा है जो कम्युनिटीज़ में यूजर्स को ग्रुप के सुझाव देगा। इसके साथ यूजर्स कम्युनिटी एडमिन्स को उनके ग्रुप सुझाव के तौर पर दिखा सकेंगे। पड़ोसी मुल्क चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद के बीच ड्रैगन ने भारतीय सीमा की जासूसी करने के लिए अपने अत्याधुनिक WZ-7 विंग लुंग 2 ड्रोन बॉर्डर के नज़दीक तैनात कर दिया है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक चीन ने अपने ऐसे जासूसी ड्रोन की तैनाती ऐसे जगह पर की है जहां से वो भारतीय पूर्वी लद्दाख की सीमा की जासूसी कर सकता है और दूर रहकर सेना के 14वीं कोर और 23वीं कोर की मूवमेंट पर नज़र रख सकता है। भारत के मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह के अमेरिका में एक सड़क हादसे में मारे जाने का दावा किया जा रहा है। गुरपतवंत सिंह अपने करे भारत विरोधी रुख और अलगाववादी विचारों के लिए जाना जाता रहा है। खालिस्तान समर्थक गुरपतवंत सिंह के भाग्य को लेकर अटकलें पैदा हो गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिका में एक कार दुर्घटना में उसकी मौत हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा दंगों से जुड़े मामले में तिस्ता शीतल बारा को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। सुप्रीम कोर्ट ने तिस्ता की गिरफ्तारी पर 19 जुलाई तक रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने गुजरात हाई कोर्ट के तिस्ता शीतल बार को रेगुलर बेल देने से इनकार के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की है। ऐसे ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया और संबंधित पक्षों से 15 जुलाई तक मामले में दस्तावेज दाखिल करने को कहा है। बीते 2 दशकों में जलवायु परिवर्तन और इसके पृथ्वी पर होने वाले नकारात्मक प्रभाव की चर्चा दुनिया भर में चरम पर। अधिकांश देश इस समस्या का सामना करने के तरीकों पर निरंतर अनुसंधान यानी रिसर्च कर रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसों के निर्माण को कम करने के उद्देश्य से वैश्विक स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व भर में मौसम अनैतिक ढंग से व्यवहार कर रहा है। अब एक नए अध्ययन में सामने आया है कि जलवायु परिवर्तन इंसान के मस्तिष्क पर सीधा प्रभाव डाल रहा है। भारत में कई बड़ी हत्याओं को अंजाम देने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। इंटरपोल ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के 2 और सहयोगियों के खिलाफ रेड नोटिस जारी किए हैं जो विदेशों से इस गिरोह को चला रहे हैं। एजेंसियों के मुताबिक ये दोनों गैंगस्टर भारत छोड़कर भाग चुके और विदेश में कहीं बैठकर बिश्नोई का नेटवर्क चला रहे हैं। इन दोनों पर भारत में कई तरह के मामले दर्ज है जिसके बाद पुलिस ने इनकी तलाश कर रही थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत को अरबों डॉलर की चीन पाकिस्तानी इकोनॉमिक कॉरिडोर बुनियादी ढांचा परियोजना में शामिल होने का न्योता दिया है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत की चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के रास्ते में बाधाएं पैदा करने के बजाय इसका लाभ उठाना चाहिए। पाकिस्तान का ये ऑफर उस वक्त आया है जब खुद पाकिस्तान इस परियोजना में शामिल होकर चीन के कर्ज के जाल में बुरी तरह से फंसा है और इस परियोजना को लेकर उसकी जो भी उम्मीदें थी वह सभी नाकाम साबित हुई। GST अधिकारियों ने करीब 17,000 गैर मौजूद GSTN की पहचान की और इसके साथ 4,900 फर्जी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया है। देश भर में फर्जी GST के खिलाफ चल रहे अभियान में ये बड़ा कदम उठाया गया। एक वरिष्ठ टैक्स अधिकारी ने ये जानकारी दी है। इस समय देश में 1.40 करोड़ कारोबार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। ये नंबर GST लागू होने से पहले के इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में रजिस्टर्ड कारोबार की संख्या से लगभग 2 गुना है।
राम जन्मभूमि की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। वर्तमान में त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में स्थित इस परिसर की निगरानी में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालेगा। जनवरी के तीसरे सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए यहां आएंगे। ऐसे में उनके कार्यक्रम से पूर्व CISF यहां अपना सुरक्षा का ताना बाना तैयार कर लेगी। केंद्र सरकार ने जानवरों के चलते राजमार्गों पर होने वाली दुर्घटनाएं रोकने के लिए इसके दोनों ओर बांस की मजबूत बाड़ लगाने का फैसला किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर बताया कि हम देश के राजमार्गों के किनारे बाहुबली मवेशी बाड़ लगाने की योजना बना रहे हैं। इसका मकसद मवेशियों को सड़क पार करने से रोकना है, जिसके चलते खतरनाक दुर्घटनाएं होती हैं और परिणाम स्वरूप मानव जीवन की हानि होती है। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने एडवांस डिजिटल बैंकिंग एप्लीकेशन योनो को अपडेट करते हुए इंटर ऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटी लॉन्च की है। भारत के सबसे बड़े बैंक के एक बयान के अनुसार योनो के एक नए अवतार के साथ अब ग्राहकों को स्कैन एंड पे, पे बाई कॉन्टैक्ट और रिक्वेस्ट मनी जैसी UPI सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त होगी। इसके साथ ही अब SBI के ग्राहक किसी भी बैंक के ATM से कार्डलेस ट्रांजेक्शन कर सकेंगे। मोटे अनाज की खरीद बढ़ाने के लिए एक व्यापक रणनीति पर राज्यों के खाद्य मंत्रियों और सचिवों के एक सम्मेलन के दौरान चर्चा की गई और तैयार की गई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने की। चर्चा के दौरान यह अनुमान लगाया गया है कि खरीफ विपणन सीजन 2023-24 में कुल 26.14 लाख मीट्रिक टन मोटे अनाज की खरीद की जाएगी, जबकि अपेक्षित वितरण 22.31 लाख मीट्रिक टन होगी। भारत दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ और देश के आगे बढ़ते कदमों की दुनिया ने सराहना की है। अब इंडियन इकोनॉमी के लिए एक और गुड न्यूज़ आई है। विदेश निवेश के मामले में भारत ने अमेरिका, चीन, ब्रिटेन समेत दुनिया के तमाम बड़े देशों को पीछे छोड़ दिया है। झारखंड के जामतारा की जालसाजों के तार बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र और अन्य कई राज्यों से जुड़े हुए हैं। इन जालसाजों ने 20 दिनों में ही करोड़ों के ट्रांजैक्शन किए हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में खास बात यह है कि इन ट्रांजैक्शन का बैंक प्रबंधक और यहां तक कि खुद खाता धारक को भी पता नहीं चला। सावन का महीना शुरू हो चुका है। इस महीने में धार्मिक कामों का विशेष महत्व है। लोग कांवड़ यात्रा पर जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन के ये महीने इकोनॉमी के लिए बूस्टर की तरह काम करते हैं। इस दौरान धार्मिक कार्यों पर लोगों के खर्चे बढ़ाने, मंदिरों, तीर्थों की यात्रा पर जाने से लोकल लेवल पर हजारों करोड़ का बिजनेस जनरेट होता है। बिहार के भागलपुर जैसे छोटे से जिले में महीने भर के अंदर 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बिजनेस हो जाता है। ताइवान लगातार भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने की तरफ संकेत दे रहा है। इस क्रम में बुधवार को ताइवान सरकार ने बड़ा ऐलान किया है कि वह भारत में अपना तीसरा कूटनीतिक केंद्र खोलेगी। यह केंद्र मुंबई में ताइपेई आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र के तौर पर होगी। अभी इस तरह का केंद्र दिल्ली व चेन्नई में है। दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए नए अध्यादेश मामले में अब सुप्रीम कोर्ट सोमवार यानी 10 जुलाई को सुनवाई करेगा। इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार ने केंद्र के इस अध्यादेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद आज इस मामले में चीफ जस्टिस के सामने जल्द सुनवाई की बात कही गई है, जिस पर उन्होंने सोमवार को सुनवाई की बात कही। भारतीय रेलवे ऐसी वंदे भारत ट्रेनों की समीक्षा कर रहा है जहां यात्रियों की संख्या कम है। साथ ही वह कम दूरी की वंदे भारत ट्रेनों के किराए की समीक्षा कर रहा है ताकि कीमतें कम की जा सके। PTI ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि कई रूट पर यात्रियों की प्रतिक्रिया कुछ अच्छी नहीं है, जिसके कारण लोगों को वंदे भारत ट्रेनों का सफर कराने के मकसद से किराए को कम किया जा सकता है। मानसून सत्र पहले केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। यह बैठक 19 जुलाई को बुलाई गई। इस बैठक में सभी दलों के नेता शामिल हो सकते हैं। इस बैठक के जरिए सरकार की कोशिश होगी कि मानसून सत्र को सुगम रूप से चलाया जा सके। कनाडा में खालिस्तान समर्थकों ने 8 जुलाई को एक बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया। ये प्रदर्शन खालिस्तान टाइगर फोर्स के आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद हो रहा है। खालिस्तान समर्थकों का आरोप है कि भारतीय राजनयिकों के इशारे पर निज्जर की हत्या हुई थी। इस प्रदर्शन से पहले कनाडा में पुलिस ने भारतीय राजनयिकों को सुरक्षा दे दी है। साथ ही कनाडाई सुरक्षा एजेंसियां सिख कट्टरपंथ को लेकर लगातार चिंता में, हालांकि इन सबके बीच कनाडा के राजनेता इस मामले पर खुलकर बात नहीं कर रहे, जिसे वोट बैंक की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। जहां पैसा होता है वही सबसे ज्यादा घोटाले होते हैं, चाहे वो फिजिकल वर्ल्ड हो या फिर ऑनलाइन। स्कैमर्स हमेशा ताक में रहते हैं कि आप एक छोटी सी गलती करें और उसका फायदा उठा ले। ATM मशीन को सबसे सुरक्षित माना जाता है, लेकिन स्कैमर्स की नज़र उस पर भी होती है। सबसे आम ATM घोटालों में से एक शोल्डर सर्फिंग है। शोल्डर सर्फिंग एक गोपनीय तकनीक है जिसमें बिना किसी को पता चल सके उसके कंधे पर नज़र डालकर जानकारी चुराने का प्रयास किया जाता है। यह आमतौर पर तब किया जाता है जब लोग ATM मशीन या अपने फ़ोन का उपयोग करके लेन देन कर रहे होते हैं। शोल्डर सर्फिंग करने वाला व्यक्ति आपकी पिन, पासवर्ड, यूज़र नेम या अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को चुरा सकता है और उसका गलत उपयोग कर सकता है।
विमानन कंपनियां बुजुर्गों और दिव्यांगों की जान से खिलवाड़ कर रही है। व्हील चेयर से जाने वाले यात्रियों को सुरक्षित तरीके से विमान तक या विमान से टर्मिनल तक नहीं ले जाया जा रहा है। नागर विमानन निदेशालय के अधिकारियों ने लखनऊ से में अचौक जांच की तो यह तथ्य सामने आया। एक एयरलाइंस को नोटिस दिया गया है तो कुछ इस मामले पर चेतावनी दी गई है। बीते दिनों सोशल मीडिया पर दिल्ली मेट्रो का एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कांवरिये मेट्रो ट्रेन में नाचते गाते देखे गए थे। अब इसको लेकर दिल्ली मेट्रो प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सभी को से अपील की है कि दिल्ली मेट्रो के सभी अनुशासन और मर्यादा को हमें बनाए रखना होगा। ऐसा किसी भी कार्य को ना करें जिससे दूसरे बैठे यात्रियों को असुविधा हो। भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड और डेबिट नियमों में बदलाव किया है। बैंक ने इसकी जानकारी एक सर्कुलर के द्वारा दी है। RBI द्वारा लिए गए फैसलों के बाद डेबिट प्रीपेड कार्ड के नियमों को भी बदला जा सकता है। इसको लेकर RBI ने कहा है कि किसी भी कार्ड को कोई खास नेटवर्क के लिए नहीं बल्कि सभी नेटवर्क के लिए इस्तेमाल करने की छूट देनी चाहिए। गरीबों को सस्ते दर में राशन प्रदान करने वाला राशन कार्ड को अब आधार कार्ड से जोड़ना जरूरी हो गया। अगर आप राशन कार्ड धारक हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। दरअसल कई लोग एक से ज़्यादा राशन कार्ड के लिए हुए हैं जिसकी वजह से सरकार को डेटा रखने में काफ़ी परेशानी आ रही है। इसलिए सरकार अब आधार और राशन कार्ड को लिंक करवाना चाहती है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है बाबूलाल मरांडी, जितेंद्र ठाकुर, अर्जुन राम, रविशंकर, मोहम्मद साकिर हुसैन। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, लगातार ऑनलाइन फ्रॉड के मामले देखने को मिल रहे हैं, इससे बचाव के लिए आप क्या करते हैं? आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।